नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जोशी न्यूज अपडेट्स पर। आज की वीडियो हम बात करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन 11 जून से स्टार्ट होंगे। जो भी कैंडिडेट यूजी करने के बाद पीजी में एडमिशन लेना चाहता है यूनिवर्सिटी में, वो कल से ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। वहीं बात करते हैं हम लोग एयर जूनियर के बारे में। एयर जूनियर की परीक्षा का जो रिजल्ट आया था नवंबर में आ गया था उस समय, उसके बाद उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में धांधली दिखी गई थी कि काफ़ी लोगों का नंबर बढ़ गया था, कुछ लोग कम हो गया था। ऐसे में इसकी जांच बैठी और जांच में निर्णय लिया गया कि दोबारा फिर से इसकी जांच होगी। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब स्टेट यूनिवर्सिटी में जिनको दाखिला लेना है यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी में, उसका आवेदन 25 से है। और डीएलएड जो कि पहले बीटीसी नाम था इसका, डीएलएड की टोटल सीटें जो हैं यूपी में 241,000 सीटें हैं, जिन पे 15 जून से इसका भी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो जाएगा। जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इसमें भर सकते हैं। और वहीं देखते हैं कि बीए एलएलबी की जो परीक्षाएं 8 जुलाई से होंगी, आइए इन सभी को डिटेल में दिखाई। ईवी एवं कॉलेजों के प्रधानतक यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उसके जो संगठक कॉलेज हैं, पीजी में 9,544 सीटों पर होगा दाखिला। पीजी में दाखिले को कल से करें आवेदन यानी 11 जून से, यहाँ पे दिया है शैक्षिक सत्र 2022-23 में है। और पीजी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज आईपीजीएस के अंतर्गत संचालित होने वाले कोर्स एलएलबी एलएलएम बीएड एमएड एमबीए एमबीए आरएडी में प्रवेश के लिए, यानी इन सब चीज़ों में आपको प्रवेश के लिए फॉर्म भरना होगा। आपको पीजी के लिए नहीं मात्र बस एमए के लिए, पीजी मतलब कि आईपीएस के अंतर्गत संचालित कोर्स होते हैं, जैसे कि एलएलबी हुआ, एलएलएम हुआ, बीएड एमएड एमबीए एमबीए आरएडी में, इन सभी में प्रवेश के लिए आपको कल से फॉर्म भरना है। आवेदन की अंतिम तिथि 1 जुलाई है, जिसको अंतिम तिथि है 1 जुलाई है। अगर किसी को भरना हो तो 1 जुलाई तक फॉर्म इसको कम्प्लीट कर ले। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में प्रधानतक के 53 विषयों के सापेक्ष 53 विषय यहाँ पे हैं सीटों के लिए। पीके घोष ने बताया कि PG-81 के लिए सामान्य OBC EWS वर्ग के लिए 800 रुपये आवेदन शुल्क तय किया गया है। जो यहाँ फीस है, आप फीस दे सकते हैं कि उसका फीस है 800 रुपये तय किया गया है। वहीं PG-82 और IPS पाठ्यक्रमों के लिए सामान्य OBC EWS वर्ग के लिए 1600 रुपये और TST के लिए PH कोटे के लिए 800 रुपये शुल्क निर्धारित है। तो इस प्रकार से जिसको भी फार्म भरना हो फार्म में भर दे। और वहीं देखते हैं कि PRSU दाखिले के लिए आवेदन 25 जून से। PRSU मतलब आपका प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, PRSU इसका नाम पहले स्टेट यूनिवर्सिटी था, बाद में चेंज कर दिया गया। तो प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी जिसको दाखिला लेना है नए सत्र में, वो 25 जून से ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो जाएगा, वो ले सकता है। और 20 जून तक प्रवेश के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा इसका। और वही देखते हैं कि लास्ट ईयर जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए फाइनल या बीएससी जो भी है, उन लोग का तीसरे दिन एग्ज़ाम ऑनलाइन चला, जो कि काफ़ी सही रहा। और 11 शहरों में होगी प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा के बारे में भी शहर का नाम दे दिया है आपका, प्रयागराज है, कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, इन सभी जगह आपका एग्ज़ाम होगा। वहीं आप देखते हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से बाहर प्रदर्शन कर शिक्षक भर्ती परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन की मांग करते अभ्यर्थी, दोबारा OMR सीट जांचने में पारदर्शिता को क्रिया प्रदर्शन। क्योंकि जूनियर एडेड में जो भी गड़बड़ी हुई थी काफ़ी बड़े स्तर पर हुई थी, ऐसे में कल वहाँ पे प्रतियोगी छात्र गए और उन्होंने मांग की कि इस OMR को सही तरीके से इसका पुनर्मूल्यांकन किया। OMR सीट में पहले भी लग गई चुकी है सेध, परिणाम में किसी प्रकार की धांधली से बचने के लिए OMR सीट में परीक्षा कराई जाने लगी है। OMR का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर रिकरेंस से होता है, लेकिन इसके बावजूद परिणाम में कुछ अभ्यर्थियों को कम नंबर मिलना पूरे परिणाम पर सवाल खड़ा करता है। इसमें सीधे तौर पर कंप्यूटर एजेंसी की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। इससे पहले 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणामों में भी व्यापक गड़बड़ी सामने आई थी, अभ्यर्थी मूल्यांकन पर सवाल उठाने लगे थे। 31 अगस्त को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सोनिका देवी की कापी बदलने की पुष्टि होने के बाद अभ्यर्थियों का दावा सही साबित हो गया। अंकिता वर्मा को 122 की जगह 22 नंबर मिलने की पुष्टि हुई थी। 2 अभ्यर्थियों के बिना परीक्षा दिए पास होने का खुलासा भी हुआ था। यानी कि जो ये भर्ती हुई थी 8,500, इतनी बड़ी धांधली हुई थी कि अगर जांच इसकी होती
अब तक की सबसे बड़ी धांधली परीक्षा वाली एग्जाम था। भारत में ऐसा धांधली कभी नहीं हुआ था। जितना इसमें आने की परीक्षा अगर जो नहीं दिया है वो भी पास हो गया था, और कापी भी जल गई थी कितने की, और जो आंसर लिखा था उसको भी काट के दूसरा लिख गया था। यानी कि व्यापक घोटाले से भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, लेकिन इसकी जांच नहीं हो पाई। वहीं बात करते हैं डीएलएड प्रवेश के लिए 15 जून से ऑनलाइन आवेदन। आवेदन शुल्क 600 रुपये हैं, सामान्य ओबीसी को 600 रुपये हैं, अनुसूचित जाति के लिए 400 है, विकलांग के लिए 100 रुपया है। बीटीसी या डीएलएड 2022 की प्रवेश प्रक्रिया संबंधी समय सारणी गुरुवार को जारी कर दी गई। इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जून से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी। जो भी कैंडिडेट भरना चाहे 15 जुलाई से 15 जून से 6 जुलाई तक आपकी प्रवेश प्रक्रिया चलेगी। यानी चयन मेरिट के आधार पर होता है, पहले से भी इस बार भी होगा, और 1 सितंबर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। सचिव अधीश कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित विज्ञापन सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी को 10 जून को जारी किया जाएगा, और जिसको सीटें हैं 2 लाख की। डीएलएड की 2,41,00,000 सीटों पर होगा दाखिला, यानी कि इतनी सीटें यूपी में हैं, और पहली बार लागू किया गया ईडब्ल्यूएस कोटा। इस बार जो फार्म भरेंगे उन्हें ईडब्ल्यूएस कोटा भी दिखेगा, अभी तक ये नहीं था। देखते हैं कि प्रशिक्षण 2022 के लिए प्रदेश के 67 जिलों शिक्षा एवं पर्यटन संस्थान की 10,600 और 3,087 निजी डीएलएड कॉलेज की 2,30,850 कुल 2,41,750 सीटों पर प्रवेश होगा। सचिव की ओर से गुरुवार को जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रविष्टियों पर संशोधन कोई सज नहीं होगा, यानी कि जो भी फार्म भरेंगे उसमें करेक्शन नहीं है, इसलिए आप लोग सोच समझ के फार्म भरें, एक बार दो बार मिलान करके तब फार्म भरिए। अगर साइबर कैफे में दिक्कत हो तो अपने आप से ही फार्म भरिए, क्योंकि गलत पीएनपी का पहले से भी रहा है कि करेक्शन का ऑप्शन नहीं देता है, चाहे यूपीटेट हो चाहे कोई फार्म हो, करेक्शन नहीं देता है, इसलिए आप लोग संभल के भरिए फार्म। और बाकी सब इसमें चीज़ें दी गई हैं। डाइट की फीस जो है आपको पता है 10,200, निजी कॉलेज 41,000 है, फीस जो यही है इसकी जो पहले रही है। तो इस प्रकार से जो भी अभ्यर्थी हो उस फार्म को भर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो विज्ञप्ति है पेपर में दिया गया है, क्योंकि विज्ञप्ति निकालना बहुत ज़रूरी होता है, बिना इसके कोई फार्म नहीं भरा जा सकता है। कोई भी फार्म भर्ती चाहे 1-2 हो चाहे 1,000 भर्ती हो, लेकिन यहाँ निकालना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा दिया प्राय 15/6/2022, अंतिम तिथि 6 जुलाई, शुल्क जमा करने की 7 जुलाई, आवेदन की तिथि 9 जुलाई। तो इस प्रकार से ये मोटी मोटा बातें रहीं जो कि जिनको करना है, फीस भी दे दिया गया है, शुल्क भी बता दिया गया है, जिसको करना है अपना फॉर्म भर सकता है। तो ये आज की न्यूज रही। वीडियो तो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय।